सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जी हां, आपने सही टाइटल पढ़ा है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके हाथ में है एक्स का निशान तो भाई आप कुछ गलतियां हैं जो कर देते हैं। बताएंगे तीन गलतियों के बारे में, अगर आप उसे सुधार लेते हैं तो भाई आपको एक्स निशान का पूरा पूरा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप वो गलतियों को दोहराते रहेंगे तो भाई एक्स निशान होते हुए भी आपको इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो प्रॉपर जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक देखते रहिए। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। जरूरी सूचना, अगर आपको कोई कमेंट्स में अपना नंबर दे रहा है कंसल्ट करने के लिए तो कृपया ना करें, क्योंकि हमसे कंसल्ट करने का सिर्फ एक तरीका है और वो है इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको हमेशा मिलेगा हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कंसल्टेशन पेड है, जाकर आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं। और जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में जानकारी को देखिएगा। बात करेंगे यहाँ पर तीन फैक्ट्स की। सबसे पहले जो है, एक गलती आप कर देते हैं हमेशा एक्स निशान की पोजीशन पहचानने में, वो ये कि जो आपकी हार्ट लाइन है और जो माइंड लाइन है उसके बीच में अगर एक्स का निशान बने तो दोस्तों वो बहुत फ़ायदेमंद है। पर यहाँ पर यही गलती आप कर देते हैं कि समझ लेते हैं कि यहाँ से कोई लाइन आ गई और यहाँ से आ गई तो ये एक्स का निशान बन गया। जी नहीं, एक्स का निशान हमेशा हम देखते हैं हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में। दोस्तों अगर इस प्रकार से निशान है तो ये बहुत भाग्यशाली है, काफ़ी रेयर है। और इसी के साथ आपको एक और फैक्ट बताने जा रहे हैं कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारे हाथ में भी एक्स का निशान है। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स देखने को मिले, काफ़ी सारे सवाल, तो आपको बताना चाहेंगे कि उनके मन में यही सवाल रहता है कि एक्स निशान होते हुए भी हमने गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया पर हमें जॉब नहीं मिली। तो दोस्तों अगर हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में एक्स का निशान है तो ये आपको नौकरी में नहीं, आपको व्यापार में फ़ायदा देगा, क्योंकि भाई ये कई बार बनता है आपकी भाग्य रेखा के ऊपर कुछ इस प्रकार। तो ये आपको यहाँ फ़ायदा देगा और शनि पर्वत पे जा रही भाग्य रेखा हमेशा आपको व्यापार में बेनिफिट्स देती है। अब अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब तो इसके लिए भी क्रॉस का साइन ही देखा जाता है, पर यहाँ नहीं, वो देखा जाता है आपके सूर्य पर्वत पे, जो बनता है अनामिका उंगली या फिर जिसे कहते हैं रिंग फिंगर के नीचे। अगर ये रेखा पूरी माइंड लाइन को काटती हुई नीचे आ रही है तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए कभी ट्राई किया है तो पहली बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में तो आपको ज़रूर 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 योग हैं कि मिल जाएगी और पक्की भी हो जाएगी। आपकी सफलता नज़दीक है अगर इस प्रकार से एक्स का निशान आपकी अनामिका उंगली के नीचे बना हुआ है। अब तीसरा फैक्ट ये है दोस्तों कि कुछ लोग अपने हाथ में एक्स निशान को देखते हुए ये सोचते हैं कि भाई हमें तो फ़ायदा कब मिलेगा, एक्स निशान है ना तो हमें धन की प्राप्ति हुई, ना हमें कोई करियर मिला, हम ऐसे ही मतलब ढूंढते फिर रहे हैं, हमारे साथ आर्थिक स्थिति चल रही है, कब हमें पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि जो हमने पहले बात की थी हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में जो एक्स का निशान होता है इस बारे में, तो दोस्तों जो आपकी उम्र होती है 26, 27, 28 और 29, ये जो 4 साल हैं, इन 4 सालों में आपको एक बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है अगर इस प्रकार से निशान बना हुआ है। पर दोस्तों ये समय आपके लिए संभलने वाला भी है, क्योंकि मौके मिलेंगे जब आपको अपनी समझदारी दिखानी है और मौके संभालने हैं तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे, वरना हो सकता है ये योग वापस मुड़ के ना आए। तो आपको मौका नहीं चूकना है। अभी तक आप जो भी कार्य करते आए हैं करते रहिए, क्योंकि उससे आपका एक्सपीरियंस बन रहा है, आपके पास तजुर्बा इकट्ठा हो रहा है जो आपको इस समय में साथ देगा। अगर आप व्यापार करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आपने सोचा था कि मेरे पास सभी सुख सुविधाएं होंगी, तो दोस्तों आपको बता दें कि हम हमेशा अपनी वीडियो में बताते हैं कि कोई भी निशान होना, कोई भी यूनिक निशान आपके हाथ में एक अच्छी बात भी है और नहीं होना भी अच्छी बात है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि भाई निशान तो आ गया हमारे हाथ में पर फ़ायदा कब मिलेगा, एक उम्मीद रख के चलते हैं फल की, कार्य में थोड़ा कम अपना मन लगाते हैं।
तो आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी यूनिक निशान आपका समय लेगा, आपकी परीक्षा लेगा। अगर आप परीक्षा में सफल हो गए तो समय लग सकता है, पर आपको बड़ी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। कोशिश की है आपके साथ कुछ ज़रूरी बात शेयर करने की। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर। तब तक के लिए नमस्कार।